उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी गांव-गांव में बिजली पहुंचानी है, जबकि बक्सर जिले के बक्सर ब्लॉक के बरुना पंचायत के बरुना गांव में लगभग 40 वर्षों से बरुना गांव के पूरब टोला में बिजली की व्यवस्था नहीं दी गई है। यहां लगभग एक साल पहले ही पुल का आवंटन कर दिया गया है। इसी गाँव के लोगों का बिजली कनेक्शन होने के बावजूद भी इन्हें बिजली से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह गाँव में क्या समस्या है? बिजली का समस्या है जो कि हम लोग के प्राइवेट से अपने पैसे लगाकर चंदा लगाकर मोहल्ले के पोल गिरवाए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। ये पोल कितना दिन हो गया गिरा हुआ? साल हो गया। तो अब से क्यों नहीं लगा? सरकार की सुविधा नहीं मिल रही तो कैसे करवा सकते हैं। और अभी बिजली कैसे आती है? बिजली बांस के ऊपर से आती है, बांस से लेकर आते हैं, बांस गाड़े हुए हैं और पोल है एक आधी का उधर, पूरी तरह से, और तार भी मतलब कि लंगर आ रहा है। लाइन बिना ये समय से बाकी बच्चा नहीं खसा पढ़त, तनी मोबाइल चार्ज कर कोनो चीज चार्ज करे के बाद कुछ नहीं कर पावत, बहुत लाइन बिना का समय से है। ये बांस टूट जाने पर क्या होगा? बिजली टूट जाने पर और खेतों में गिर जाए तो दूसरे लोगों को करंट लग सकती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से बिजली आए और पोल की सुविधा हो हमारे पूरे मोहल्ले में। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि बिजली एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर 77-63-81-42 पर कॉल कर मेरी मदद करें, और ताकि यहाँ पर पूरा टोला के लिए जल्द से जल्द पोल और तार की व्यवस्था दी जाए। मैं ममता, जिला बक्सर, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।